शीत दिन चली हठात दिने आकाश रे कला कला बादल देखि टिकी चढ़े पूरा डरी गला। अरे हठात ये कौन हे गला? एबे तो शीत दिन चली बर्षा तो हवा कथा नुहे हेले एते कला बादल कोड़ मारी आसला पवन भी दबा आरंभ हो गला लगुच आज बर्षा हब मु खाद्य खोज देबी आउ जल्दी घर को चली जीबी। टिकी चढ़ई एठी सेठी दाना खोजिबा को लागिला से खोजी खोजी किछि दूर बाट को चली गला देखिला किछि दाना पड़ीची से जल्दी से दाना को उठई गछ ऊपर को चली गला से दाना धरी सांगे सांगे उड़ीबा को बाहर थेला हठात जोर वर्षा हबा आरंभ होई गला। हे भगवान मु एबे कोन करबी वर्षा त जोर हबा आरंभ होई गलानी एमिति वर्षा रे मु घर को केमिति उड़ीकी जीबी भगवान मते किछि बुद्धि देखाओ प्रभु। टिकी चढ़ई एमिति भाबुथला से हठात एमिति भाबी भाबी दूर रे देखिला गोटे पुरुणा घर अछि से घर आड़ को उड़ी गला आउ कबाट बाड़ेला बबली पारा कबाट खोलिला से घर बबली पारा रे थिला। पारा भौणी मु मधुबन जंगल रे आसीछि मु खाद्य खोजि खोजि तम जंगल को चली आसीछि आउ घर को जिबा को बाहर थिले जे हेले वर्षा हबा आरंभ होई गला आउ एते वर्षा रे मु केमिति उड़ीकी जीबी तम घरे बर्षा छाड़ीबा पर्यंत मते टिके रहिबा को जागा दब। भौणी मो स्वामी भी खाद्य खोजिबा पई बाहर को जाई चंती ए पर्यंत घर को फेरि नांती। हो ठीक अछि तमे भितर को चली आस ता परे टिकी चढ़ई बबली पारा घर भितर को गला। से दिन वर्षा जोर होउथला रोकिबार ना भी धरु नथला सबु पक्षी माने निज घरे लुचिकि थांती एते वर्षा रे के भी बाहर को आसी नथांती। ते कुआडे गले जे मु तांगो मना करूची पाग खराब अछि बाहर को जाओनी हेले से मो कथा सुनिलेनी खाद्य आनिया पई बाहर गले। भौणी तमे जेमिति मते सहाय्य कलो तमे जेमिति तमो घरे मते आश्रय देलो देखिबो तमो स्वामी को भी अन्य को पखी निज घरे आश्रय देथिबो से भलो थिबे आ तमे व्यस्त हुअनी से खूब शीघ्र चली भी आसीबे। भौणी मो पाखरे किछ गहम दाना अछि तमुक जदि भोक लागथै ताले तुमे दाना खाइ परिबो। ना ना चढ़ई भौणी जे पर्यंत मो स्वामी घर को आसिनांती मु ए खाद्य खाइ परिबिनी। सेमिति पारा खाद्य खोजि खोजि बहुत दूर को चली जाइथिला से रहिबा पई वर्षा दाउरु टिके रक्षा पाइबा पई आश्रय खोजि खोजि काउ घर पाखरे जाई पहुंचिला। सुणु पारा तू जदि मो घर किछि समय रहिया को चाहुचु ताहले तो खाद्य रु मते अधा दबु। हो ठीक अछि वर्षा भी बहुत जोर होउछि मते किछि समय तम घरे रहिबा पई मु तमको अधा खाद्य देबी। तापरे पारा सानुकाउ को ता खाइबार अधा देला सानुकाउ ताको सब खाइ देला सब खाइ सेला परे भी सानुकाउ रो पेट पुरिलानी कारण से काउ बहुत लोभी थिला। तापरे से पारा को कहिला अरे पारा तू केते बळ पजंत इठी रहिबु कि बहुत डेरी हे गलानी जा तू एबे तो घर को जा। अरे काऊ तू ये कौन कहू मु तो रहिबा पई मो खाद्य रे भी अर्धत ते दे देली मु एते वर्षा रे जेबी कोडे जे पर्यंत वर्षा न छड़ी छी मु एठू जेबिनी। अच्छा तू जीबुनु ना हौ दे बाकी जो खाद्य रखिछु मते दे आउ वर्षा छाड़ले जाई जीबु। बिचारा पारा भी कोन करि परथांता सिए तो लोभी सानु काऊ घरे फसी जाईथला। तापरे पारा ता बाकी जो अधा खाद्य थिला काऊ को देई देला काउ ताकू खाई दे अचिंता निदर सोई पइला। हेले पारा झरका पाखरे वर्षा रोकिबार बाट को चाहि बसी थाए चढ़े भौणी मते आउ किछि ठीक लागुनी मु जाउची मु देखे मो स्वामी कुआडे गले। पारा भौणी तमे जम्मा चिंता करनी देखिबो तम स्वामी सुरक्षित रे आसे घरे पहुंची जिबे। तापर किछि समय मध्ये रे वर्षा अटकी गला आउ आकाश पूरा सफा हे गला अधिका खाई दवा फल रे सानु काउर पेट बहुत खराब हे गला। पारा पारा मो पेट बहुत जोर काटुची प्लीज मते टिके सहाय्य कर पारा। तो भलिया लोभी काउ को पेट खराब होबा भी दरकार असुविधा रे पड़ी जाइथिबा पक्षी मान कर तमे माने सब फायदा उठाओ एबे वर्षा छाड़ी गलानी मु चलली मो घर को। पारा तू मते डाक्टर पाखु को नेई जा पारा मो पाखर त खाद्य नाही सबु खाइबा त तू खाई देलु आउ किछि समय परे तो पेट जंत्रणा कमी जीव। एति कहि पारा सेठारो उड़ी आसिला वर्षा रुकी जीवा फळ रे टिकी चढ़ई ता घर को जीवा को बाहर थेला
हटात सेठी पारा आसी पहुँचिला। बबली मु बहुत लज्जित, मु आज तम पाई खाद्य आनी पारलेनी। से लोभी काऊ सबु खाइबा मोर खाई देला, ता घरे रहिली बोली। सेथरे किछि कथा नाही, तमे तो बहुत सुरक्षित रे पळी आसीच। आज गोटे दिन आमे उपास रे सोई जिबा। अरे उपास कोन पाई भौणी, मो खाइबारु अधा मु तमको दउछु निया। एबे तो बसा छाडी गेलानी, मु कलि पूरी खाद्य खोज नेबी। तापर टिकी चढ़ाई ता खाद्य रु अधा पारा मानु को दे दे ताको धन्यवाद दे घर को चली आसिला। सांग माने एही कहानी रु आमको शिक्षा मिलिला, असुविधा रे पड़ीथिबा व्यक्ति मानको लोभ न करी ताको सहाय्य करबा दरकार। टिकी चढ़ाई सुआ ओ पारा पिला दिनर सांग थिले, से माने बहुत भलो सांग थिले, आउ से माने सब काम मिलेमिसे करि थांती। से कथा तो ठीक अछि, हेले से माने रहिबा पई गोटाए घर ही तयारी करि थिले। गोटाए घरे तीन जण जको मिलेमिसे रहउथिले। टिकी चढ़ाई घरर सफा सुथरा करे, आउ सुआ घरर मरामती काम करे, आउ पारार काम हैला खाद्य जाय खोजि आनिबा। पारा भाई आज तुम्हें गहम नहीं आसब, मु भावी गहम पेशिकी आम रुटी तैयारी करी आज खाइबा। हौ हौ मु जाउछि सुकिला घास गुड़िक नहीं आसे, काली गोटे पक्षी मोर देखाहीतला, से कहुतला किछि दिन मध्यरे वर्षा आरंभ होई जिवो। हाँ जाओ तुम्हें तुम काम कर, मु जाउछि आम मानक खाद्य नहीं आसबी। तापर से तीन जन निज निज काम लगि पड़िले। सानुकाउ आ रानुकाउ से माने अन्य जंगल रु मधुबन जंगल को आसी थिले निज घर तैयारी करी रहिबा पई। से माने आसी टिकी चढ़ई बसा आगरे जो गछ से गछ ऊपर बसिले। सानु ए गछटा ठीक अछि, आमे ए गछरे चलो आमो घर तैयारी करिबा, नदी भी एटी पाखरे अछि, आ देखो से पाखरे को पखिरो घर भी अछि, आमर जदि किछ दरकार हुए आमे से पखिडारु मागि नबा। हौ ठीक अछि रानु, मु गोटे काम करूछि, मु जाउछि घर तयारी करबा आरंभ कर दउछि, तमे जाई खाद्य खोजि आनो। पारा से जंगल रे पूरा जणा सुणा हे जाय थाए, खाद्य खोजिबा को ताको टिके भी कष्ट करिया को पड़ेनी, फल कोठु मिलिबो आउ दाना कोठु मिलिबो से भल्लो भाबरे जानि थाए। से ता सांग मानक पई आउ निज पई खाद्य जमा करी नदी पाखरे बसिथिला, आउ सेठा को हटात रानुकाउ आसी गला। अरे पारा भाई मु होछि रानुकाउ, मु आउ मो स्वामी ए जंगल को नुआ आसीचु घर करी रहिबा पई, मु कोठी खाद्य अछि जानिनी, कोन मु तुम पाखरु किछि दाना नै परबी। हां काहे कि नुए नियो, जेति कि मन होछि सेति कि नियो। पारा भाई तमे कोठी रहउछ, मु एका रहउनी भौणी, मु आउ टिकी चढ़ई आउ मो सांग मिठु सुआ आमे तीन जण से आंब गछ पाखरे जो गछ अछि सेई गछरे घर करी रहउछु। आमे तीन जण निज पई गोटाई घर ही बनैछु, आउ छै घरे आमे सुख शांति रे रहउछु। कोन तमे तीन जण गोटाई घरे रहउछ, ताल त तमे माने बहुत भलो सांग होइथिबो। हां भौणी आउ सेथि पई आमे आमो घर काम मिलेमिसे करू, मो दायित्व हेला खाद्य आनिबा, मु मो पई आउ से दि जण को पई खाद्य नै कि सब बळ जाय। ए सब कहि पारा सेठरो खाद्य नै चली गेल। पारा भाई आज तमे कोन टिके डेरी कर देला आसिया पई। हां टिकी भौणी आज मोर गोटे काउ सहित तो देखा हला, सीए आउता स्वामी आम जंगल को नुआ रहिबा पई आसीचंती, ता सहित तो टिके कथाबार्ता हो हो मोर टिके डेरी हे गले। हो चढ़ई भौणी मते प्रबल भूख गलाणी, जल्दी रोटी कर। तापर टिकी चढ़ई ता सांग मानक पई रुटी तयारी करबा को रोसे घर को चली गला। सानु आज मु गोटे नुआ कथा देखिली। कोन देखिलो रानु? से जो सामना रे बसा कथा कहू नथिली, से घरे पारा सुआ आउ चढ़ई मिसिक रहउचंती एका सांगरे, से केमिति? हां से माने कोडे बहुत भलो सांग, आउ ता सांग मानक पई पारा निजे सब फल खाइबा नेकि जाउचे। ओहो ताहाले आमुकु भी तो पारा सांगरे सांग होबाकु पड़िबो, ता सांगरे सांग होले आमुकु खाद्य राउ चिंता पड़िबोनी, सिए आमो पई भी खाद्य नै आसीबो। हां तमे तो एकदम ठीक कथा कहिलो, ता पूर्वरु आमे से सांग मानक भितरे आगो झगड़ा करिया को पड़िबो, ताहेले तो जाई पारा आम सहित सांग हबो। ता पर दिन सकाळु सानुकाउ आउ रानुकाउ पारार पछे पछे गले। पारा सबु दिन परी
ଆଜି ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜି ପାରା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ନେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ସାନୁକାଉ ଆଉ ରାନୁକାଉ ପାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାରା ଭାଇ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛ। ହଁ, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଯେ, ସେମାନେ ବି ତ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘରର ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ହେଲେ ତମେ ସବୁଠାରୁ ବୋକା। ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଘର କାମ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ଆରାମରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାରା ଭାଇ, ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଠୁକୁ, ଏବେ ତୁମେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ। ସବୁଦିନ ଆମେ ପାଳି କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ, ଯଦି ଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତମେ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋଟା ସୋଟା ଗୋଲୁମୋଲୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି କହି ସାନୁକାଉ ଆଉ ରାନୁକାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପାରା ସେଠି ବସି କାଉମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆରେ ହଁ ତ, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଉମାନେ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଠୁ ଶୁଆ ବସି ଖାଇବେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଫଳ ସବୁ ବସି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି ଏ ଶୁଖିଲେ ଦାନା। ପାରା ଶେଷରେ କାଉମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ବସି ଏକା ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଦାନା ନେଇକି ଗଲା। ପାରା ଭାଇ, ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ଆଜି ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ଦାନା ନୁହେଁ, ଫଳ ଖାଇବାରେ ଥିଲା। ଫଳ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି, ଏ ଦାନା ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି ଆଣିଛି। ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାର ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ନିଜେ ଯାଇ ଫଳ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏ ଶୁଖିଲା ଦାନା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ଖାଇବନି ତ, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ହିଁ ଖାଇଦଉଛି। ପାରା ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, ଆଜି ତମ ଆଖି ମତେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଆଖି କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି କୁହ, ମୋ ଆଖି ଆଜି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି ମୁଁ, ଆଉ ଘରେ ବସି ବସି ତମେ ଦି ଜଣ ଖାଇବ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। କାଲିଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପାଳି କରି ଜଣେ ଜଣେ ଯିବା। ତାପରେ ରାତି ପାଇଗଲା। କଥା କ'ଣ ସାନୁ, ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହସିବାର ଆବାଜ କାହିଁ ଶୁଭୁନଥିଲା, କାଲି ତ ବଡ଼ ହସି ହସିକିରି କଥା କହୁଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ କଥା ପାରା ଉପରେ ଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଆଜି ଏ ମିଠୁ ଶୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି। ପାରା ଭାଇ, ମିଠୁ ଭାଇ କ'ଣ ରାସ୍ତା ପାଇବେ, ସବୁବେଳେ ତ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଦି ଦିନ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ତ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଣୁଥା। ଶୁଖିଲା ଘାସ ବି କୋଉ ସହଜରେ ମିଳୁନି। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ହେଲେ ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ରାଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ଆଜି ମିଠୁ ଶୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାସ୍ତା କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୂର କୌଣସି ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିଯିବି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୁଆ ବସାକୁ ଫେରିଲାନି, ସେତେବେଳେ ପାରା ବି ଶୁଆର ଚିନ୍ତା କଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଶୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ପାରା ଭାଇ, ଶୁଆ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଠିକରେ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପାରା ଶୁଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୁଆ ମିଳିଗଲା। ଶୁଆ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଶୁଆ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ରାତିରେ ଚିଲମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଖାଇଯିବେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେ କାଉମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଶିଖେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ହେଲେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଆଉ କେବେ କାହା ଉପରେ ରାଗିବୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ରାଗ ରୁଷା କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ବାଟବଣା ହେଇଯିବା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ କଥା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବିଚାର ନ ପାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଗଲେ।